नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करो भाई, ताकि ज़्यादा लोग आ सकें और हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। चलिए विचार पढ़ लेते हैं आज का। आप अपना काम करके आइए, इतने शेयर करके आइए, इतने मैं विचार पढ़ लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। ये बात हकीकत है कि यदि हमें कोई चीज़ ये लग रही है कि ये चीज़ अच्छे से हो, तो वो अच्छे से तभी हो सकती है तब हम उसे खुद करें। दूसरे की चीज़ अच्छे से कभी नहीं हो सकती। अब हम चाह रहे हैं कि हम नोट्स बनाएं हिंदी के, अच्छे से बनाएं, बहुत अच्छे, तो क्या होगा? हम ये सोचें कि हमारा दोस्त नोट्स बना ले और जब वो पूरा कर लेगा उसके में से हम भी लिख लेंगे, तो क्या वो अच्छे नोट्स हो जाएंगे आपके लिए? नहीं हो सकते। दूसरे की बनी हुई चीज़ दूसरे के लिए ही अच्छी होगी, आपके लिए अच्छी नहीं होगी। कोई चीज़ आपके लिए तब अच्छी होगी जब आप उसे खुद बनाएंगे, ठीक है? जब उसे अच्छा करने के लिए किसी चीज़ को आपको खुद करना होगा। यहाँ तक कि आप खाने की चीज़ें भी, चाय, आप सोचो कि बहुत अच्छी कोई चाय बना लाए हमारे लिए, कोई बहुत अच्छी बना के ला देगा, लेकिन जब खुद बना के पियोगे वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए दूसरे के बनाए हुए चीज़ों पे भरोसा मत कीजिए। हो सकता है उसने गलत लिख लिया हो, आप भी गलत पढ़ो और पेपर में भी गलत कर आओ, तो इससे अच्छा है कि आप बनाओ, खुद की चीज़ों पे भरोसा करो। आप बनाओ और खुद ही उसे पढ़ो, ताकि यदि तुम गलत भी करके आओ तो आपको अफसोस ना हो, भाई दूसरे के ना पढ़ते तो गलत नहीं होता, ठीक है? चलिए, खुद से आप अपना काम कीजिएगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अब प्रश्न पर चलते हैं। जो दूसरों के भरोसे जिया है वो जीवन में कभी सफल नहीं हुआ है। खुद के कंधों पर रखकर बंदूक चलाओ तो शायद गोली निशाने से लगे। प्रश्न है हमारा, जिस शब्दांश में ना जुड़ने से क्रिया बन जाती है उसे कहते हैं। जिस शब्दांश में ना जुड़ने से क्रिया बन जाती है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। शब्द कहते हैं, क्रिया यौगिक कहते हैं, क्रियांश कहते हैं या धातु कहते हैं, क्या कहते हैं उसे जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिस शब्दांश में ना जुड़ने से क्रिया बन जाती है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं, क्रियांश कहते हैं या धातु कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। चलिए आंसर देख लेते हैं। अब क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले जो हम ये प्रश्न जो बात कह रहा है उसकी बात मान लेते हैं ना। पहले से ही दूसरे की बात ना मानने की हमने कसम थोड़ी ना खा रखी है भाई। प्रश्न है, वो हमसे कुछ कह रहा है, उसकी बात सुने ध्यान से और माने। क्या कह रहा है ये? जिस शब्दांश में ना जोड़ने से क्रिया बन जाती है, शब्दांश कह रहा है। पहले हम क्या लेंगे? कोई शब्द लेंगे। क्या लिया? जैसे हमने लिया चल, ठीक है? ये क्या है? शब्द है, शब्दांश कहते हैं इसे, चल को, ठीक है? अब ये शब्दांश है क्योंकि इसमें हम कुछ भी चीज़ जोड़ सकते हैं, इसमें हमने ना जोड़ दिया। ये क्या बन गई? क्रिया बन गई, चलना क्रिया, ठीक है? चल शब्द में ना जोड़ने पर क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। अब क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। क्रिया का जो मूल रूप होता है, ये क्रिया है चलना, इसका जो मूल रूप होगा चल, उसे क्या कहते हैं हम? धातु कहते हैं। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपके।
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और ये चल हमारी धातु है जिसे शब्दांश भी कहते हैं। और ये लिख रहा था प्रश्न में कि जिस शब्दांश में ना जोड़ने से क्रिया बन जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, उठ धातु होती है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं हम तो क्या बन जाता है, उठना बन जाता है। फिर हमारी शब्दांश होता है या धातु होती है, उसमें हम ना जोड़ देते हैं तो फिरना बन जाता है, जो कि हमारी एक क्रिया होती है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? पूछा है प्रश्न ने हमसे, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? ग्रंथ का नाम पूछा है भाई, किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण में किया है, नाट्य शास्त्र में किया है, हृदय दर्पण में किया है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? हृदय दर्पण नहीं होगा। हृदय दर्पण किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है हृदय दर्पण। नाट्य शास्त्र होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नाट्य दर्पण नहीं होगा, क्योंकि नाट्य दर्पण क्या है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और आचार्य गुणचंद्र ने मिलके किया इसकी रचना। किसकी? नाट्य दर्पण की। कभी नाट्य दर्पण के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें बता सकें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य गुणचंद्र ने मिलके इसकी रचना की है। हृदय दर्पण जो है ये राजशेखर ने इसकी रचना की है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो वो नाट्य शास्त्र में किया है। ठीक है, इस प्रश्न से हमें एक बात और समझ लेना चाहिए, किसी भी प्रश्न में कोई नहीं दिया होता है, 99% ऐसा होता है कि कोई नहीं तो होता ही नहीं है। कोई नहीं पे भाग के मत पड़ा करो, कोई नहीं तो होना ही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं अधिकतर उस प्रश्न में लगाते हैं जब हमें ऑप्शन जो होते हैं ना वो सीमित होते हैं और कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, तो चौथे ऑप्शन में कोई नहीं डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि वो आंसर है, कोई नहीं आंसर बहुत कम होता है, 100 प्रश्नों में से 2-4 प्रश्नों का आंसर होता है। लेकिन यदि सभी हो, उपयुक्त सभी, तो 100 प्रश्न हो तो मैं कहती हूँ 85% प्रश्नों का आंसर उपयुक्त सभी होता है। यदि उपयुक्त सभी हो तो उसे आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं हो तो उसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ना होने की वजह से कोई नहीं लगा देते हैं। ऑप्शन ना होता, तीसरा इस तरह का ऑप्शन नहीं होगा, इस वजह से कोई नहीं लिख देते हैं। ठीक है, वो आंसर नहीं होता है ज़्यादातर, जहाँ तक मेरी समझ है। चलिए अब प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है हमारा, पवन शब्द है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पवन शब्द कैसा है ये हमें बताना है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंगी है, या नपुंसक लिंग है? कौन सा लिंग है पवन शब्द में, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है ये, मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत ध्यान से हमें देखना है इसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आता है, एग्ज़ाम में भी आ जाता है और कई बार एग्ज़ाम में आया भी है। ध्यान से करना है इस प्रश्न को। अधिकतर मुझसे कई लोगों ने कहा है कि जिन प्रश्नों पे कन्फ्यूजन होता है ऐसे प्रश्नों को तुम लेते क्यों हो वीडियो में। भाई हम यहाँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही तो आए हैं, यदि जिन प्रश्नों में कन्फ्यूजन है हम उन प्रश्नों को लेंगे ही नहीं तो बच्चों का कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा? हमें तो उन प्रश्नों को लेना है भाई, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही तो हम हैं। ऐसे तो हिंदी सब पढ़ लेते हैं, बुक में से प्रश्न आंसर पढ़ लेंगे बच्चे, क्वेश्चन आंसर, लेकिन जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने के लिए ही हम हैं। इसलिए कन्फ्यूजन वाले प्रश्न में बहुत अच्छी तरह से लेती हूँ वीडियो में और समझाती भी हूँ। चलिए अब इस प्रश्न पर बात कर लेते हैं। आपने कमेंट दे दिया होगा आंसर का, ये आंसर सभी लोगों का गलत भी है। मैं आंसर बता देती हूँ, सबसे पहले सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, उभयलिंगी है भाई पवन शब्द, ये अपवाद में है। पवन जो शब्द है ये अपवाद में है, ये उभयलिंगी है।
क्योंकि लिंग में एक वचन एक लिंग या दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं, उभयलिंगी होता नहीं है, लेकिन ये उभयलिंगी है। कैसे है मैं बता दूं कैसे है ये। पवन का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। एक पवन होता है वायु वाला पवन, ठीक है, एक पवन नाम पवन होता है, ठीक है। यदि किसी लड़के का नाम पवन है तो उसे हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। पवन जा रहा है, पवन खा रहा है, पवन ये कर रहा है, पवन वो कर रहा है। लेकिन यदि वायु वाले पवन की बात कर रहे हैं तो हम उसे स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे स्त्रीलिंग में प्रयोग? पवन धीरे धीरे चल रही है, इसे हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। वायु वाले पवन को कैसे? पवन धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। यदि लड़का है, ऐसे तो पवन देव भी होते हैं, वो भी क्या हैं? पुरलिंग है। पवन देव नहीं होते हैं, उनका नाम भी तो पवन ही है भाई। तो ये हमारा स्त्रीलिंग और पुरलिंग दोनों में आता है, इसीलिए इसे उभयलिंगी माना गया है। और भी ऐसे शब्द हैं, मैं उन्हें भी बता देती हूँ, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले। एक तो पवन है, एक विनय है और एक शहा है। ये तीनों शब्द ऐसे हैं, विनय शब्द भी उभयलिंगी होता है भाई, कभी एग्जाम में आ जाए तो। ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इनका आंसर उभयलिंगी माना गया है, तभी जाके मैंने ये प्रश्न लिया है। ये तीनों क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं भाई, कभी भी एग्जाम में आ जाए, उभयलिंगी होते हैं ये। इसको याद करने की मैं ट्रिक बता दूं एक, जिससे आपको ये याद रहे, कभी आप भूल जाओ। पवन ने विनय की सहायता की, पवन ने विनय की सहायता की, इस लाइन से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। पवन, विनय और सहाय, ये तीनों उभयलिंगी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? किस प्रकार का ग्रंथ है ये हमें बताना है। खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है? बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी लोगों का आना चाहिए और बिल्कुल सही। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है जल्दी से बताइए। और ये भी बताना है कामायनी में कितने सर्ग हैं, और ये भी बताना है कामायनी किसकी रचना है। इस प्रश्न से तीन चार प्रश्न उठते हैं, जल्दी से बताइए। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी किसकी रचना है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कामायनी के पहले सर्ग में क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कामायनी के 15वें सर्ग में क्या है, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं हम आंसर क्या होगा। आंसर होगा हमारा खंड काव्य नहीं होगा, मुक्तक काव्य नहीं होगा, चंपू काव्य नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, महाकाव्य। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। इसमें कितने हैं? 15 सर्ग हैं भाई। और ये किसकी रचना है कामायनी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। पहले सर्ग में चिंता का वर्णन है और सबसे 15वें सर्ग में, लास्ट सर्ग में किसका है? आनंद का वर्णन है, ठीक है। लास्ट सर्ग में आनंद का वर्णन है और पहले सर्ग में चिंता का वर्णन है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, 15 सर्ग हैं और महाकाव्य है। कई सारे प्रश्न इससे क्लियर हो गए हमारे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वह गया था किस प्रकार का वाक्य है? वह गया था किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। वह गया था वह गया था एक किस काल का है? जल्दी से बताइए। पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, इसलिए मैं एक प्रश्न हर वीडियो में लेती हूँ इसका, ताकि आपको अच्छे से आ जाए ये और आपका गलत ना हो, क्योंकि मैंने अच्छे से अच्छे हिंदी पढ़ने वाले देखे हैं जिनका ये प्रश्न गलत होता है। चलिए अब ले लेते हैं आंसर।
इस प्रश्न के बारे में आज मैं ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिससे आपका ये प्रश्न गलत कभी नहीं होगा। वह गया था किस प्रकार का वाक्य है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, गया था भूतकाल की क्रिया लगी हुई है भाई, और हमें क्या है, तीनों चारों ऑप्शन में क्या दिया है, भूतकाल भूतकाल दिया है। वह गया था है ना, ए ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? पूर्ण भूतकाल, गया था पूर्ण भूतकाल है। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, कैसे हम इसको पहचानते हैं। जब मुख्य क्रिया भूतकाल की हो, जैसे इसमें है मुख्य क्रिया क्या है, भूतकाल की है, और सहायक क्रिया न लगी हो, तो उसमें क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल होता है उसमें, जब मुख्य क्रिया भूतकाल की हो और सहायक क्रिया ना लगी हो। जब मुख्य क्रिया भूतकाल की हो और सहायक क्रिया था थी थे हो, तो पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे होता, वह गया तो सामान्य भूतकाल होता, लेकिन इसमें था रहा है तो ये पूर्ण भूतकाल है। लेकिन यही इसमें था की जगह पे है होता तो क्या होता, आसन्न भूतकाल होता। ठीक है, क्या होता, आसन्न भूतकाल होता। वह गया ये सामान्य भूतकाल है, लेकिन वह गया है या वह अभी गया है, यह आसन्न भूतकाल है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। था है, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पूछा है इसमें, ऐसी कौन सी संज्ञा है जो क्रिया से नहीं बनी है, क्रिया से नहीं बनी है, ऐसी कौन सी है, इनमें भाववाचक संज्ञा है ये सभी, लेकिन ऐसी कौन सी है जो क्रिया से नहीं बनी है, ये हमें बताना है। ऐसी कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से नहीं बनी है, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई या भलाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसा नहीं है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ये प्रश्न, और आगे भी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में बनते हैं जिनमें थोड़ा सा तो डाउट हो। चलिए आंसर ले लेते हैं। जब अच्छे लेवल का एग्जाम बनता है ना, पेपर जब अच्छे लेवल का होता है तब ऐसे प्रश्न बनते हैं, जब आसान होता है तो बहुत आसान आसान बन जाते हैं, उसमें कोई द्वारा है नहीं है, अच्छे लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिया निकालेंगे इनमें से, जब हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी है जिसमें क्रिया नहीं है। कमाई में क्रिया कौन सी है, कमाना क्रिया से क्या बनी है, कमाई बनी है। लड़ना क्रिया होगी तभी तो लड़ाई बनी है, पढ़ना हमारी क्रिया है तभी तो पढ़ाई बनी है, पढ़ाई भाववाचक है, पढ़ना क्रिया है, लड़ाई भाववाचक है, लड़ना क्रिया है। लेकिन जो ये भलाई है ये क्रिया नहीं है भाई, भला क्या है, ये भला विशेषण से बना है, भला विशेषण होता है, भला क्रिया नहीं होती, भला विशेषण होता है। डी ऑप्शन हमारा सही है, चोरी पकड़ी गई है भाई, भला विशेषण है, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है ये, क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में विधि सूचक वाक्य है। विधि सूचक वाक्य क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, सभी प्रश्न अच्छे हैं, जल्दी से सेशन को भाई शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी ये लाभ मिल सके। तुम ही तुम हो के तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, औरों को भी बुलाओ तभी ये जग है, अकेले अकेले ही क्या करोगे पढ़ के, सभी लोगों को शामिल करो। चलिए
शेयर कर दीजिए जल्दी से, जोरदार तरीके से शेयर करके आइए और फिर प्रश्न का आंसर दीजिए। विधि सूचक वाक्य कौन सा है इनमें? मैंने एक वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, भाई बहुत लंबा समय है। मुझे खेद है मित्र, एक क्षण के लिए वह हतप्रभ हो गया। अध्यापक को पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं भाई पढ़ाना होगा, अध्यापक को पढ़ना नहीं चाहिए, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, पढ़ाना होगा यहाँ पे। चलिए अब बताइए आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, हतप्रभ जो लिखा हुआ है, हतप्रभ, हतप्रभावी बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है जिसकी प्रभा छीण हो गई हो। अब शायद आपको समझ में आ गया हो, एक क्षण के लिए वह हतप्रभा का मतलब है उसकी प्रभा एक क्षण के लिए छीण हो गई थी, ठीक है। अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए, विधि सूचक वाक्य कौन सा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, आप लोग विधि सूचक नाम से थोड़ा परेशान हो गए होंगे, यदि विधि सूचक की जगह पे हम सरल लिख देते तो आप बहुत जल्दी से आंसर बता देते, है ना। ऐसा ही होता है एग्ज़ाम में, शब्दों का खेल होता है, शब्दों को खेल खेल लेते हैं, जैसे विधि सूचक की जगह पर सरल लिख दें या सरल की जगह पर विधि सूचक लिखा आ जाए तो बच्चे घूम जाते हैं। सरल वाक्य बताना था हमें, मैंने एक वर्ष तक उसकी परीक्षा की, प्रतीक्षा की, मुझे खेद है मित्र, ये आगे भी है, ये भी आगे है, एक क्षण के लिए वह, साधारण वाक्य कौन सा है, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा सही है, ये साधारण वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, जिसमें एक उद्देश्य और विधेय हो वो साधारण वाक्य होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न बहुत अच्छा है भाई, बिना पढ़े ही कह रही हूँ, प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से इसको पढ़ना है। मोहन ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया, इसमें विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है, संख्यावाचक, सर्वनामिक, परिमाणवाचक या गुणवाचक, कौन सा विशेषण है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। चलिए यदि किसी एग्जाम में प्रश्न आए तो इस लेवल के आए, अच्छे प्रश्न हैं, चलिए पढ़ने में भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने वालों को भी लगता है हमने कुछ सीखा है और पढ़ाने वालों को भी लगता है यार हमने कुछ सिखाया है। आंसर ले लेते हैं क्या होगा, मोहन ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया, इसमें विशेषण पूछा है क्या है? कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, सर्वनामिक है, परिमाणवाचक है या गुणवाचक है? बहुत लोगों का ये प्रश्न गलत होने वाला है भाई, सर्वनामिक नहीं होगा और गुणवाचक नहीं होगा, दो ऑप्शन तो सबने काट लिए होंगे, लेकिन इन दोनों में युद्ध चल रहा है, महायुद्ध, परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में। अब देखना ये है कौन सा जीतता है, इस युद्ध में विजय प्राप्त कौन करेगा। मोहन ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हैं भाई, 100 में से 80% अंक प्राप्त किए हैं भाई, ठीक है। परसेंट, परिमाण आया है ये उसका, 80% परिमाण है ये, किसी बच्चे का परिमाण है ये, परिमाणवाचक है। मोहन ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, ये तो परीक्षा का परिणाम आया है 80%, संख्यावाचक नहीं होगा ये, ये तो परिमाणवाचक होगा। हाँ यदि ऐसे होता ये प्रश्न, मोहन ने परीक्षा में या मोहन ने इंग्लिश में 80 अंक प्राप्त किए, 100 में से 80, तब ये संख्यावाचक होता, 80 अंक प्राप्त किए तब संख्यावाचक होता, लेकिन यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है तो परिमाणवाचक है, ये तो परिमाण आया है किसी एग्जाम का, लेकिन यहाँ पे 80 होता ओनली तो संख्यावाचक होता, ध्यान देना है इस प्रश्न में आपको, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जहां दो भिन्न पदार्थों में
सदृशता का प्रतिपादन हो वहां अलंकार होता है। जहां दो भिन्न पदार्थों में सदृशता का प्रतिपादन हो वहां अलंकार कौन सा होता है ये हमें बताना है। श्लेष अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है या उपमा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सदृश्यता का मतलब पता है क्या होता है? समानता। अब शायद प्रश्न आसान हो गया है। सदृश्यता का मतलब होता है समान। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा। जहां दो भिन्न पदार्थों में सदृश्यता का प्रतिपादन हो वहां अलंकार होता है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या उपमा अलंकार। सदृश्यता का मतलब समानता है भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। श्लेष नहीं होगा, यमक नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, उपमा अलंकार होगा। दो दो पदार्थ हैं उनमें सदृश्यता है, समानता है। समानता का मतलब क्या है? तुलना है। समानता हम तुलना से ही तो करते हैं कि ये उसके समान है, जिसमें क्या आता है सा से सी सम सदृश समान सरिस, ये उपमा अलंकार होते हैं। इसमें क्या तुलना ही तो करते हैं हम, समानता तभी तो देखेंगे हम। कोई दो चीज़ों में समानता तभी तो पता चलेगी हम जब दोनों चीज़ों की तुलना करेंगे। तो इसमें क्या है? डी ऑप्शन सही है, उपमा अलंकार है। पढ़ना चाहिए में कौन सी क्रिया है ये हमें बताना है। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर बहुत लोगों का गलत आने वाला है। मैं ये नहीं कह रही सबका गलत आएगा, लेकिन बहुत लोगों का गलत आने वाला है। टीचर को सब पता होता है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं। एग्ज़ाम में पास करवाने के दो तरीके हैं टीचर के। टीचर को सब पता है बच्चों को कितना आता है, वो दो तरह से प्रश्न पूछेगा। यदि टीचर पूछ रहा है तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो इसका मतलब ये है टीचर चाहता है कि तुम पास कर लो एग्ज़ाम। लेकिन यदि टीचर पूछ ले मेरे पापा का नाम क्या है, तो इसका मतलब है कि टीचर चाह नहीं रहा है कि आप एग्ज़ाम पास करो। उसके पापा का नाम पूछने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप उसके पापा का नाम बताओ। मतलब प्रश्न को यदि इतना घुमा फिरा दे तो इसका मतलब यह है कि टीचर चाह नहीं रहा है कि आप एग्ज़ाम पास करो। चलिए आंसर ले लेते हैं। पढ़ना चाहिए मैं कौन सी क्रिया है ये देख लेते हैं हम। बी ऑप्शन हमारा सही है, सकर्मक क्रिया है भाई, पढ़ना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई कैसे है सकर्मक क्रिया। मैं आपको बता देती हूँ कैसे है सकर्मक क्रिया। जहाँ केवल क्रिया हो, केवल क्रिया है पढ़ना, तो क्रिया से हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि क्या। क्या प्रश्न पूछेंगे हमें पूछना है, पढ़ना चाहिए है यहाँ, हम पूछेंगे क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ हमारे मन में एक संभावित उत्तर आ रहा है, पुस्तक। पुस्तक पढ़ना चाहिए, कविता पढ़ना चाहिए, पाठ पढ़ना चाहिए, और भी बहुत चीज़ें आ रही हैं। व्याकरण की दृष्टि से एक नियम है कि जहाँ क्रिया हो, कर्ता या क्रिया दोनों भी हों, और क्रिया से क्या प्रश्न करने के बाद में कोई संभावित उत्तर दे दे क्रिया। यहाँ पढ़ना जो क्रिया है वो संभावित उत्तर दे रही है कि पुस्तक पढ़ना चाहिए, पाठ पढ़ना चाहिए, कविता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। ये क्या है, एक संभावित उत्तर दे रही है। मतलब पढ़ना चाहिए तो कुछ तो पढ़ना चाहिए ना, ये सकर्मक क्रिया है। जहाँ संभावित उत्तर आ रहा हो
क्या प्रश्न करने से? वहां सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया तो वहां होती है जहां संभावित उत्तर भी ना हो, वहां अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कल फिर से समझा दूंगी ऐसा ही कोई प्रश्न लेके। ठीक है, पर शंका का निवारण होना चाहिए। चलिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द पूछा है हमसे। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या प्रत्याशित, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। प्रत्याशित किसे कहते हैं हम? जिसकी पहले से कोई आशा हो, जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो गया। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित, जिसकी पहले से आशा हो उसे प्रत्याशित। अब हम ये जो दो ऑप्शन बचे हैं चंगू पंगू, इन्हें भी देख लेते हैं भाई, कभी आ सकते हैं एग्जाम में। आशातीत का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। आशाजनक किसे कहते हैं? ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद हो, आशातीत। ठीक है, ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद हो उसे कहते हैं आशातीत। जैसे आप कह दो मैम हम कल तक आपके बहुत सारे शेयर कर देंगे, तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आप ज़रूर कर देंगे, उसे क्या कहेंगे? आशातीत, आशाजनक। चलिए प्रश्न है हमारा, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अकरजा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है? चलिए आंसर ले लेते हैं। यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है? रविजा भाई यमुना का पर्यायवाची होता है, सूर्यजा भी होता है, अकरजा भी होता है। इसके अतिरिक्त रवि तनिया भी होता है, रवि तनिया भी होता है भाई। जमुना भी होता है यमुना का पर्यायवाची, काल गंगा भी होता है, भानुजा भी होता है और कृष्णा भी होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ गलत है। तनुजा जो है ये पुत्री का पर्यायवाची होता है, यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? गलत बताना है भाई हमें कौन सा है। संस्कृति के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्वेदी, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। कौन से राइटर ऐसे हैं जो किसी दूसरे की रचना पे बैठे हैं कूद के, आपको बताना है भाई। गलत बात होती है दूसरे की रचना पे बैठना, आपको उन्हें हटाना है और जिसने उसकी रचना की है उसको वहां पे बिठाना है। चलिए, राजगद्दी लगी हुई है यहाँ पे, अब आपको सुशोभित करना है, उन्हें लाके राज्याभिषेक करना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या है हमारा। संस्कृति के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है ही, बिल्कुल सही है, हमने कितनी बार पढ़ा है और पढ़ाया भी है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ये भी सही है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, भाई ये तो गलत है, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, ये गलत सीट पे बैठे हैं। ये स्कंदगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है भाई, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, तो इस सीट पे किसका नाम आना चाहिए? जयशंकर प्रसाद का आना चाहिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र यहाँ नहीं आएंगे, ये गलत सीट पे बैठे हैं।
सी ऑप्शन यहाँ हमारा सही है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ये बिल्कुल सही सीट पे बैठे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। उष्ण होता है, आर्द्र होता है, शीत होता है, शिष्ट होता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। उष्ण का विलोम, उष्ण का नहीं भाई, शुष्क का विलोम। चलिए आंसर ले लेते हैं। उष्ण का विलोम शीत होता है, शुष्क नहीं होता। शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, उष्ण शीत का विलोम होता है, और शिष्ट का अशिष्ट होता है। शिष्ट का अशिष्ट होता है, शीत उष्ण का शीत होता है, और शुष्क का आर्द्र होता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न है हमारा, एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार देवर्षि निशब्द जमाता। इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है वो हमें बतानी है, किसकी शुद्ध है, बाकी सबकी अशुद्ध है भाई। एक ही है ऐसा जिसकी वर्तनी शुद्ध है। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही होगा। देवऋषि शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है बिल्कुल, आविष्कार की गलत लिखी हुई है, क्योंकि आविष्कार होता है, ठीक है, आविष्कार होता है शुद्ध। निःशब्द की वर्तनी गलत लिखी हुई है, क्योंकि निह शब्द ऐसे लिखा जाता है, निह शब्द, ठीक है। जमाता शब्द गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है? जामाता, ठीक है। आविष्कार कैसे लिखा जाता है? आविष्कार, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है आविष्कार। बी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नवोड़ा का संधि विच्छेद है। नवोड़ा शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद पूछा है हमसे। नवधन उड़ा होगा, नवोधन डा होगा, नवधन उड़ा होगा, नैधन ओड़ा होगा। क्या होगा नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद? और आपको ये भी बताना है नवोड़ा शब्द में संधि क्या होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नवोड़ा शब्द में कौन सी संधि है ये भी, और नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा ये भी। आसान प्रश्न है, मैंने कितनी बार बताया है। चलिए ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, नव धन उड़ा होगा। सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है, संधि विच्छेद नव धन उड़ा होगा। और संधि कौन सी होगी इसमें? ओ की मात्रा लगी हुई है भाई, शब्द से ही पता चल रहा है। सिंगल ओ है, गुण संधि है, डबल होती वृद्धि होती, ठीक है, सी ऑप्शन चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रामू घर से निकला इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, रामू घर से निकला इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, कर्ता कारक है, या संप्रदान कारक है? सबसे पहले विभक्ति लिख लीजिए, से करण कारक की द्वारा के अर्थ में होती है, शे अलगाव के अर्थ में होती है, ठीक है, कर्ता की ने विभक्ति होती है, संप्रदान की को होती है, लेकिन के लिए के अर्थ में होती है, ठीक है। राजा ने गरीब को दान दिया, तो इसमें संप्रदान कारक होगा भाई, दान देने में हमेशा संप्रदान कारक होता है। ये दो तो ऑप्शन सबके कट गए होंगे, करण और अप्रदान में थोड़ी सी लड़ाई हो रही होगी, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। घर से निकला,
घर से अलगाव हो रहा है, अपादान कारक होगा, घर के द्वारा नहीं निकला है, ठीक है, घर से निकला है, घर से अलगाव हो रहा है, घर से दूर जा रहा है, तो क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा द्वेदी युग का एक और नाम है, क्या नाम है भाई द्वेदी युग का एक और, ये आपको बताना है। संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एक और नाम क्या है द्वेदी युग का इन चार ऑप्शन में से। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा, संक्रति काल नहीं होगा, संधि काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है, आदिकाल का नाम है ये, द्वेदी युग का नाम नहीं है। गद्य काल, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है। सी ऑप्शन हमारा सही है, जागरण सुधार काल द्वेदी युग का ही एक नाम है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, सोय जतन की झाई परे श्याम हरित दुति। मेरी भव बाधा है भाई, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए यहाँ पे क्या है, बाधा, ठीक है, बढ़ा लिख गया है गलती से। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, सोय जतन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, दोहे में कौन सा अलंकार है ये पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है या यूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो क्या होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। ए ऑप्शन हमारा सही है, श्लेष अलंकार है इसमें। कैसे है श्लेष अलंकार ये देख लेते हैं। बिहारी जी का दोहा है, बिहारी सतसई से लिया गया है ये। बिहारी जी बहुत ही चतुर कवि हैं, बहुत ही चतुर लेखक हैं वो बिहारी जी। कैसे हैं ये देख लीजिए, बिहारी जी ने राधा के दोहे लिखे हैं, कृष्ण के नहीं लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई राधा का नाम जपेंगे कृष्ण तो खुद ही पीछे पीछे आ जाएंगे। अब क्या होता है, आदमी को इम्प्रेस करना थोड़ा कैड़ा होता है, स्त्रियां क्या होती हैं भाई, थोड़ा दिल उनका मुलायम होता है, जल्दी पिघल जाता है। राधा जी क्या है, उनकी आराधना किया उन्होंने कि जल्दी से उनको मना लूंगा और कृष्ण तो खुद ही आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने राधा जी के दोहे लिखे हैं, मेरी भव बाधा आरो राधा नागरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये भव जो लिखा हुआ है, भाव नहीं है भाई, भव है ये। ये भव जो लिखा हुआ है इसके दो अर्थ हैं, यहाँ पे संपूर्ण भी है और संसार भी है, ठीक है। ये कवि ने कहा है मेरी भव बाधा, मेरी संपूर्ण, ऐसे भी कह सकते हैं मेरी संपूर्ण बाधा को दूर करो, ऐसे भी कहते हैं मेरी संसारिक बाधा को दूर करो, ठीक है। फिर कहा है जिसके सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो, इसका मतलब है जिसके तन की परछाई पड़ जाने से श्री कृष्ण का रंग जो है वो हरा हो जाता है, ऐसी राधा जी मेरी बाधाओं को हरें। हरा सा मतलब क्या है, क्या कृष्ण जी का रंग हरा हो सकता है, नहीं ना, हरा होता है इंसान, नहीं होता। यहाँ पे हरे से मतलब दो हैं, एक तो हरे से मतलब हरा रंग है और दूसरा हरे से मतलब प्रसन्न है, मतलब ऐसी राधा जी जिनको देखकर श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो मेरी बाधा संसारिक सभी बाधाओं को हर लें। तो यहाँ पे भव का अर्थ भी दो है, हरित का अर्थ भी दो है, ठीक है, श्लेष अलंकार होगा। समझाना इसलिए जरूरी है, आपको कुछ ना याद रहे तो कम से कम थोड़ा बहुत तो याद रहेगा इसमें से, तो आप इसको लगा देंगे सही।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राम आम खाता है वाक्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है वाक्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, उभयवाच्य है या कृतवाच्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मैंने बहुत करवाए हैं भाई, आपको अच्छे से पता भी है और आता भी है, बहुत आसान प्रश्न है ये तो। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है वैसे भी, और आसान प्रश्न भी है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, कृतवाच्य है ये। ठीक है, क्या है? कृतवाच्य है। अब कृतवाच्य की पहचान हमने कैसे की है? यदि यहाँ पे कर्मवाच्य होता तो ये कैसे लिखा होता? कर्मवाच्य होता तो राम से खाना खाता है, यह बच्चों द्वारा चित्र बनाया जाता है, ऐसे लिखा हुआ था। मतलब यहाँ पे द्वारा लिखा होता, जहाँ ये राम लिखा हुआ है, राम द्वारा खाना खाता है ऐसा लिखा हुआ था, या राम से खाना खाता है, तो ये कर्मवाच्य होता। लेकिन यदि यहाँ पे यही होता कि राम से खाना नहीं खाया जाता है, तो इसमें भाववाच्य होता। राम से खाना नहीं खाया जाता है तो भाववाच्य होता, राम खाना खाता है तो कृतवाच्य है, लेकिन राम से खाना खाया जाता है ये कर्मवाच्य है। ठीक है, इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।